हाँ जी, राम राम सभी को। और कैसे हैं आप सब? आशा करती हूँ आप सभी अच्छे होंगे। और कल हम पता है बहुत ज़्यादा थक गए थे। कल ऐसी नींद आई थी जैसे एकदम बेहोशी टाइप होता है ना, कुछ होश नहीं रहता, क्या हुआ घर में कुछ नहीं। कल इतनी बुरी तरह से नींद आई थी और कल काम की वजह से देखो ये नहा भी नहीं पाया। तो मैंने कहा चलो कोई नहीं, अभी हमारे यहाँ गांव में ठंडा मौसम है, तो मैंने कहा चलो छोड़ो कोई बात नहीं, तो इसे आज नहीं लाऊंगी। आज इतना काम नहीं है, आज अभी हम लोग है ना वहाँ पे उसके सहारे सहारे लकड़ियों के सहारे सहारे मिट्टी को ठोक के आए हैं। अगर वो लूज़ रहती है तो फिर बारिश, जैसे बारिश का मौसम होता है ना सावन जब आते हैं तो पानी की वजह से उसमें गड्ढे हो जाते हैं, तनु मान जाओ, तो इसलिए वहाँ कर आए हैं, उसे अच्छे से ठोक पीट कर आए हैं मतलब। और अभी वहाँ पे ना सपोर्ट लगानी है हमें, मतलब कुछ मोटे मोटे बम्बू लगाने हैं। तनु मान जाओ, क्लैप मत करो, मोटे मोटे बम्बू लगाने हैं सपोर्ट के लिए, क्योंकि जब हम उसमें भूसा भरते हैं ना तो उसे पैरों से खोदना होता है, तो वो ना एकदम पैर से फैला जाती है ऊपर से ऐसे। तो अभी आज हम लोग मतलब मैंने क्या क्या किया है, सब्जी बना ली मैंने और किचन साफ कर दिया, चाय बनानी है और थोड़े से ब्रेड सेकूंगी। और आज है ना नहा के, इतना ज़्यादा काम नहीं है ना, तो नहा के खाना पीना खा के तब हम लोग वहाँ काम करने जाएंगे। और वहाँ पे बफेलो शेड में सारी क्लीनिंग हो गई है, और आज कंडे मम्मी जी ने पात दिए, सासू माँ ने पात दिए, क्योंकि हम सुबह सुबह वहाँ जाके लग गए थे, तो आज उन्होंने बना दिए कंडे। तो देखिए आज का व्लॉग, अगर आप गाइस मेरे चैनल पे न्यू हैं और आपको वीडियो अच्छी लगती है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, और ज़्यादा अच्छी लगे तो प्लीज़ शेयर करें। और गाइस प्लीज़ यार लाइक किया करो ना, हम लाइक से थोड़े मोटिवेट होते हैं, हमें लगता है कि हमें लाइक मिल रहे तो हम कुछ अच्छा कर रहे हैं वीडियो में, तो प्लीज़ लाइक किया कीजिए। तो प्लीज़ तो कीप वॉचिंग। हम सब पी रहे हैं चाय और साथ में कर रहे हैं नाश्ता। नाश्ते में कुछ भी नहीं है, बस ब्रेड हैं। अभी वहाँ भुज्जी को कंप्लीट करके आए थे, अभी कंप्लीट भी नहीं है, कुछ काम बाकी है, तो सोचा नाश्ता कर ले। और मेरे हबी नहीं खा रहे हैं ब्रेड, उनका आज हनुमान चालीसा वाला टर्न है, आज सैटरडे है ना, इसलिए तो वो नहा कर पहले हनुमान चालीसा पढ़ते हैं। और ये हम आ गए हैं शाम को घेर में, यानी बफेलो शेड में, हमें जो है सानी करनी है भैंस के लिए। तो ये भूसा एक परात भर के ऊपर तक, दो, एक परात तो पड़िया के लिए डालना होता है जो छोटी बच्ची है, और दो परात भूसा बड़ी वाली के लिए। तो वो भर रहे थे, मैं डाल रही थी, इसलिए अभी लॉकडाउन चल रहा है तो हम ज़्यादा मिलजुल कर काम कर लेते हैं और महसूस भी नहीं होता काम नहीं, वैसे अकेले अकेले करते हैं तो काफ़ी काम लगता है ज़्यादा और थकान भी हो जाती है। तो ये सानी कर दी थी, अब ये आ गए हैं हमारे दोनों पशु, ये है छोटी और ये है बड़ी। ये इसकी दूसरी पड़िया है, पहली जो है ख़त्म हो गई थी बीमार होके, तो ये दूसरी। और आप इसकी पूंछ देख रहे हैं ना, ये पूंछ इसने ना बारिश में जब सावन आते हैं ना तो ये पेड़ के नीचे बंधी हुई थी, तो इसने जो है पेड़ में ही लपेटा लगा के तोड़ ली।
नहीं तो इसकी काफ़ी लंबी पूंछ थी, वो अंटे लगा लिए उसने, पता नहीं कैसे घुमा रही थी तो टूट गई। ये दोबारा आई है और मैं आई हूँ किचन में और बना रही हूँ कुछ खास। तो आप देखिए मैं क्या बना रही हूँ। ये मैंने देसी घी में सूजी ऐड कर दी है, इसे थोड़ा लाइट ब्राउन भूनूंगी और भूनने के बाद मैंने इसमें दूध डाल दिया है। तो इसे ऐसे थोड़ा चलाती रहूँगी ज़्यादा देर तक, जब तक ये दोबारा इसका रवा बिखर ना जाए, चिपके ना। तो मैं गाइस बना तो कुछ और रही थी, मैंने एक सिस है YT पे, उन्होंने सूजी के रसगुल्ले बनाए थे तो मैं वो ही बना रही थी, पर मेरा थोड़ा जो मेज़रमेंट है वो ठीक नहीं रहा और बिगड़ गए। तो मैंने सोचा अब ये वेस्ट थोड़ा ना करूँगी, तो मैंने इसमें क्या किया, इसका रवा दोबारा से बना के अच्छा सा, और इसमें कुछ ड्राई फ्रूट डाल के और बूरा डाल के इसके लड्डू बना दिए। तो मेरे हबी बोले चल कुछ भी सही, बिगड़ा तो नहीं, ये भी बहुत टेस्टी लग रहे हैं। तो आप भी देखिएगा कैसे बनाए हैं मैंने और बताइएगा ज़रूर। ये देखिए ये हैं लड्डू, और ज़्यादा नहीं बनाए थे मैंने, गिनती के 10 ही बने, पर ये है कि सबको अच्छे लगे। तो मुझे लगा अब लड्डू क्या, मैं इसे कौन से लड्डू बोलूँ, रवा लड्डू बोलूँ, बेसन के तो है नहीं, तो आप जो नाम देना चाहें वो दे सकते हैं। और फिर मीठा खाने के बाद पता नहीं क्यों तीखा खाने का मन हुआ सबका, हालांकि उल्टे काम किए हैं, मीठा बाद में खाते हैं। तो मैंने हमारे जो पड़ोसी, उन्होंने आलू भिजवाए थे, उनके खेत में हुए थे, तो मैंने छोटे छोटे आलू छांट के उसके बरूले बना लिए। आज हमने रोटियां नहीं बनाई, रोटी सब्जी आज इन्हीं से काम चला लिया, बरूले और लड्डू से। तो गाइज़ आपको मेरी वीडियो कैसी लगी प्लीज़ कमेंट बॉक्स में बताइएगा, और आप भी खा लीजिए बरूले। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग।